नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च तक सरकार ने पूरे पंजाब को लॉकडाउन कर दिया है। देश में कोरोना के अब तक 345 केस सामने आ चुके हैं और 5 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पहला राज्य राजस्थान था जिसने की लॉकडाउन किया था। अब दूसरा पंजाब से ये खबर सामने आ रही है जिसमें कि लॉकडाउन की खबर सामने आ रही है। इमरजेंसी को छोड़कर सभी समस्याएं बंद रहेंगी, ये खबर सामने आ रही है। तो देश में लगातार जिस तरह से केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, 345 तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च तक सरकार ने पूरे पंजाब को लॉकडाउन कर दिया है, यानी कि आपको घरों में रहना है। लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी आपसे हम कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि कृपया आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि इमरजेंसी की जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपको मिलेंगी। दवाएं आपको मिलेंगी, दूध आपको मिलेंगी, सब्जियां आपको मिलेंगी, लेकिन परेशान बिल्कुल ना हो। स्थिति जिस तरह से गंभीर होती जा रही है, इसको देखते देखते राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर ये फैसला ले रही है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला। सत्येंद्र, पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया, राजस्थान के बाद ये दूसरा राज्य जिसने ये फैसला लिया लॉकडाउन का। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब तक पंजाब में तादाद जो है 14 के करीब पहुंच गई है और कल एक ही दिन में ये तादाद डबल हो गई थी। अकेले मोहाली जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 केस पॉजिटिव है और मोहाली से साथ लगते ही चंडीगढ़ में भी 6 लोग ये हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है अगर उसको देखा जाए तो जो ये केसेज हैं, इन लोगों ने काफी ट्रेवल किया है पंजाब में, कई जगह पर ये घूमे हैं। पहले फैसला ये लिया गया था जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और इसके आसपास के 2 जिलों को, 5 जिलों को लॉकडाउन करने का। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। गाइडलाइन अभी बन रही है कि इस दौरान किन किन लोगों को परमिशन रहेगी, कैसे कैसे स्टेट को संभाला जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि पूरे पंजाब को लॉकडाउन आज से ही किया जाएगा और 31 मार्च तक ये सिलसिला ऐसे ही चला जाएगा, उसके बाद सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।